लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण के मतदान के बाद विपक्षी दलों की ओर से ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। दिल्ली में ईवीएम के मुद्दे पर 21 विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन की बैठक हो रही है। बैठक में कांग्रेस टीएमसी समेत कई पार्टियों के नेता मौजूद हैं। वहीं पर कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने पहले चरण की चुनाव आयोग इस पर पर्याप्त ध्यान दे रहा है, अगर आप एक्स पार्टी के लिए बटन दबाते हैं तो वोट वाई पार्टी को जाता है, वीवीपैट 7 के बजाय सिर्फ 3 सेकंड के लिए प्रदर्शित होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 50% वोट मिलान करने की मांग करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।